हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर्ड। देखिए, आज हम आपके लेकर आए जो हमारा रेलवे टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो है, और आज हम इसमें बात करेंगे मोस्ट 50 क्वेश्चंस की, ठीक है। और हम पूरी आशा करते हैं कि आप इन 50 क्वेश्चन में कम से कम जो है 40 क्वेश्चन को तो करेक्ट करिए, ठीक है। वैसे तो आपका टारगेट 40 प्लस का होना चाहिए, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप 40 क्वेश्चन तो इसमें करेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के 40 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रेलवे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप 40 प्लस नहीं कर पा रहे या 40 तक नहीं पहुँच रहे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम में, तो आपको और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस प्राणी का श्वसन अंग जो है वो क्लोम नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करिए, बताइए निम्नलिखित में किस प्राणी का श्वसन अंग जो है वो क्लोम नहीं होता है। देखिए, क्लोम एक स्पेशली संरचना है जो लुक लाइक फेफड़ों जैसी ही होती है, लेकिन ये मोस्टली क्या है, जितने भी जलीय प्राणी होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, केचुआ जो है ये एक ऐसा प्राणी है जिसमें जो श्वास होते हैं वो जो जिससे ये सांस लेता है वो त्वचा होती है, लेकिन क्लोम नहीं होता है, ठीक है। तो केचुआ त्वचा से सांस लेता है, क्लोम से सांस नहीं लेता है। मछली, झींगा और सीप, ये सभी क्या है, क्लोम से सांस लेते। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, केचुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ संबंधित है, ठीक है, बताइए। देखिए, कार्डियो का मतलब ही होता है, कार्डियो मतलब हृदय संबंधी, ठीक है। तो यह रखिएगा, हृदय की बीमारियों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ संबंधित है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्या है कि IR36 किसकी उन्नत किस्म है, ठीक है। याद रखिएगा, जितनी भी आपकी अनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती है, यहाँ से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है। क्या बोल रहे हैं, IR36 किसकी उन्नत किस्म है? तो याद रखिएगा, ये धान की, ठीक है, धान की उन्नत किस्म है IR36। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको तैयार तो होते ही होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा आपकी जांच भी कर देते हैं कि कितना आपको तैयार है। तो देखिए, विटामिन की खोज तो वैज्ञानिक फंग द्वारा की है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर विटामिन ए व बी, तो यार क्योंकि वैज्ञानिक मैकुलन ने इनकी खोज की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी की जो खोज की है ये होलकट ने की है, भी बिल्कुल ठीक है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका गैनीमेड किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जीके का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में। तो बताइए, गैनीमेड जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति का ये प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि शाहीवाल किसकी जो है उन्नत किस्म है? आईएमपी क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, शाही वाल जो है किसकी उन्नत किस्म है? तो क्या रखेगा, ये गाय की उन्नत किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? आईएमपी क्वेश्चन, चलिए बताइए। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो यार क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जितने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करे जा रहे हैं ये बहुत ही अपने में उमदा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ओलिविकल्चर किससे संबंधित कृषि का एक प्रकार है? आईएमपी क्वेश्चन, याद रखें, यहाँ पर ओलिविकल्चर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है ओलिविकल्चर किससे संबंधित जो है कृषि का एक प्रकार है। ओलिविकल्चर जो संबंधित होता है सब्जियों के उत्पादन से, लेकिन यहाँ पर ओलिविकल्चर की बात की जा रही है। छोटी सी मिस्टेक आपका नंबर ख़राब कर सकती है, तो आपको याद रखना है कि ये करेक्ट आंसर होगा, जैतून की कृषि को कहते हैं ओलिविकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हर्पीस किस अंग से संबंधित बीमारी है? यह रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, हर्पीस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो आपको याद रखना है, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है, ठीक है, त्वचा में होती है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है? आईएमपी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, तो याद रखिएगा, सोडियम। सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का धातु तत्व है? आईएमपी क्वेश्चन,
देखिए कम समय में अगर आपको अधिक क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको इतने कम समय में इतने अच्छे क्वेश्चन कोई भी नहीं तैयार करा पाएगा। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का धातु तत्व है? तो यार कहेगा लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का कि पपीते का खाने योग्य भाग होता है। याद रखिएगा कि फलों के खाने योग्य भाग रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बताइए पपीते का खाने योग्य भाग होता है। तो यार कहेगा मध्य फल बीती होता है पपीते का खाने योग्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है, यानी सब अम्लों में उपस्थित होने वाला जो तत्व है कौन सा उपस्थित तत्व होता है सभी अम्लों में? तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? आईएमपी क्वेश्चन। तो यार कि ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? आईएमपी क्वेश्चन, बताइए कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो यार कहेगा जिप्सन जो है कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट क्या कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया? ठीक है, याद रखिएगा जितना भी आपका अंतरिक्ष विज्ञान है बहुत पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या बोल रहे हैं, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया? तो 1974 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल एस स्मॉल सी किसका रासायनिक प्रतीक है? आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो क्या रखेगा स्कैडियम का ये प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर के अंदर कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? आईएमपी क्वेश्चन, बताइए मानव शरीर के अंदर कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो क्या रखेगा 20 अमीनो अम्ल मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में किस रसायन को रसायनों का सम्राट कहा जाता है? आईएमपी क्वेश्चन, तो यार कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों द्वारा 2.4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आईएमपी क्वेश्चन, तो यार कहेगा यह है खरपतवार नाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि पैराफीन मोम प्राप्त होता है, तो बताइए पैराफीन मोम कैसे प्राप्त होता है? तो क्या रखेगा पेट्रोलियम के शोधन के समय पैराफीन मोम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या कि चाय में रेड रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं? तो क्या रखेगा कवक फंगस करते हैं चाय में रेड रस्ट रोग उत्पन्न। नेक्स्ट क्या कि पैराशियम किस संघ का प्राणी है? तो यार कहेगा संघ प्रोटोजो का प्राणी है पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक रीजनरेशन की प्रकृति पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा फिर से खुद को बनाने की क्षमता किस में पाई जाती है? याद रखेगा यकृत में। ठीक है, रीजनरेशन की प्रकृति सर्वाधिक पाई जाती है यकृत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखेगा निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो। देखिए मैं जल्दी चलता हूँ, अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन में समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो क्या बोले, निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो। तो याद रखेगा WBC मानव रक्त का सबसे बड़ा भाग, ये गलत है क्योंकि WBC मानव रक्त का सबसे बड़ा भाग नहीं होता है। मानव रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है प्लाज्मा और WC सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मनुष्य के मेरुदंड से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, फिर आप लोग कहते हो कि सर आपने गलत बता दिया। यहाँ पर मेरुदंड नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा क्या जा रहा है मेरुदंड, मनुष्य के मेरुदंड से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तंत्रिकाओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या रखिएगा 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के किस भाग में त्वचा सबसे छोटी होती है? तो याद रखना है आपको कि पैरों के तलवे में जो है त्वचा सबसे छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल खाता हो। तो यार कहेगा उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है उचित मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्या कि मदुराई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए मदुराई का जो है मीनाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो यार कहेगा देवी माँ पार्वती को ये समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
ये आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित जो है तिरुपति मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो क्या कहेगा, भगवान विष्णु को ये समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय शहर को प्राचीनतम वैदिक शहर कहा जाता है? तो यार क्या, वाराणसी को प्राचीनतम वैदिक शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, पृथ्वी पर स्थित कौन सा परितंत्र सर्वाधिक विस्तृत होगा, यानी कौन सा पारिकी तंत्र है जो सर्वाधिक विस्तृत होगा, यानी सबसे बड़ा होगा? तो यार कहेगा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान जो योग्यता की उत्तरजीविता को समझाने का प्रयास किसने किया? योग्यता की उत्तरजीविता, आईएमपी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन बनता है। तो यार कहेगा डार्विन ने योग्यता की उत्तरजीविता को समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वैज्ञानिक जो है सोरेनसन क्यों जाने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये वैज्ञानिक सोरेनसन क्यों जाने जाते हैं? रखिएगा पीएच पैमाने के विकास हेतु सोरेनसन जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों में कुपोषण जो है किसकी कमी से होता है, बताइए। तो क्या रखिएगा, बच्चों में कुपोषण प्रोटीन्स की कमी से होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सी बारीकी समझेगा। लगभग लोग क्या लगाते हैं, भोजन, लेकिन भोजन गलत होगा, क्योंकि भोजन तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अगर भोजन में प्रोटीन्स की कमी है तो आपको कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों को जो कुपोषण होता है वो भोजन की कमी से नहीं, प्रोटीन्स की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर माने जाते हैं, तो याद रखिएगा डायनासोर क्या थे, सरीसृप थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्राइट्स रोग से प्रभावित होने वाला मानव अंग है, तो यार क्या किडनी, ब्राइट्स रोग क्या है, किडनी से संबंधित बीमारी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग सुगंधित परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा यूनिक हो सकता है, लेकिन एक दो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। हम एग्जाम की एनालिसिस करके ही क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सुगंधित परफ्यूम बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है व्हेल मछली की उल्टी, ठीक है। काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्योंकि ये साइंस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। तो व्हेल मछली की उल्टी का प्रयोग किया जाता है सुगंधित परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो क्या कहेगा एस चंद्रशेखर थे, ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दालों के उत्पादन का प्रमुख भारतीय राज्य है? तो यार कहेगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइदीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार। तो यार कहेगा प्रसिद्ध सूफी संत मोइदीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी नहीं है? तो यार कहेगा सिंधु दक्षिण भारत की नदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दक्षिण भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलें पाई जाती हैं? आईएमपी क्वेश्चन। तो यार कहेगा केरल में सर्वाधिक रूप से प्राकृतिक जो रूप से निर्मित झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है? तो यार कहेगा हैदराबाद में स्थित है प्रसिद्ध चार मीनार, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि दूध का पाशुकरण करने का क्या लाभ है? आईएमपी क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। तो यार क्या, दूध को जीवाणु रहित करने के लिए, दूध फटने के लिए भी नहीं, दूध विषाणु रहित करने के लिए भी नहीं, दूध को जीवाणु रहित करने के लिए दूध का पाशुकृत किया जाता है दूध को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि रानी खेत बीमारी संबंधित है? तो यार क्या, मुर्गियों से संबंधित है रानी खेत बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है? पूरी उम्मीद है कि आप इसे 40 क्वेश्चन ठीक कर लिए होंगे। क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्या कि दीमक किस संघ का जंतु है? तो याद रखिएगा दीमक जो जंतु है ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर में सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यार कहेगा सर्वाधिक आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन और विटामिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पचाया जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? आईएमपी क्वेश्चन। तो यार कहेगा पेप्सिन किसके जो है पाचन में सहायक होता है? तो यार कहेगा प्रोटीन्स के पाचन में सहायक होता है पेप्सिन। तो देखिए ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार करें और जल्दी से एग्जाम को क्रैक करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।